नमस्कार। आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता उन लोगों के पक्ष में अपनी आवाज उठा रहे हैं जो लॉकडाउन से, कोरोना महामारी के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी आवाज सुने। 10,000 रुपए की मांग कि हर जरूरतमंद के अकाउंट में तुरंत 10,000 रुपए डाले जाएं, ये एक मांग है हमारी। दूसरी मांग कि अगले 6 महीनों के लिए प्रति माह 7,500 रुपए जरूरतमंदों के अकाउंट में डाले जाएं। इसके साथ साथ जो घर पहुंचे हैं, जो प्रवासी मजदूर घर पहुंच चुके हैं, गांव में पहुंच चुके हैं, उनके लिए, उनकी मदद के लिए मनरेगा के जो कार्य दिन हैं वो 100 दिन से 200 दिन तक बढ़ाए जाएं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो लॉकडाउन के असर से जूझ रहे हैं, जिनके पास 2 महीनों से कोई बिजनेस नहीं है, जो छोटे दुकानदार हैं, बुनकर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करे, एक वित्तीय पैकेज दे जिससे कर्ज ना हो उन पर, जिससे उनके हाथों में भी पैसा आए ताकि वह इन मुश्किल समय में अपना गुजारा कर पाए। देखिए, मैं खास एक आग्रह करना चाहती हूँ सब राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन महत्वपूर्ण तरह से भाजपा के नेताओं को, राजनीति बंद करिए। ये राजनीति का समय नहीं है, ये वो समय है जो जब पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए, जब हर राजनीतिक पार्टी के नेता सबको इकट्ठा होकर अपनी अलग-अलग राजनीतिक परहेजों को दूर करके, अपनी विचारधारा के जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करके, हम सबको इकट्ठा होकर लोगों की मदद करनी है। जब यूपी में ये सब बस का हुआ, ठीक है, आपने हमारी हजारों हजार बसों को नकार दिया, कोई बात नहीं, हमने तो कहा भी था कि आप अपने बैनर स्टिकर लगा लीजिए, हमें उससे कोई इशू नहीं था, फिर भी आपने वो ऑफर नकारा। 12,000 बसें जो यूपी रोडवेज की हैं, आपने ये ऐलान किया कि हम इनको चलाएंगे, लेकिन आज तक ये सिर्फ कागज पे चल रही हैं, सड़कों पर आपने उतारा नहीं है। इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार को देखिए, महामारी का एक बहुत भयंकर रूप है महाराष्ट्र में, उससे सरकार लड़ रही है और आप सहयोग देने के बजाय उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खास तौर से आपको कहना चाहती हूँ कि ये सहयोग का समय है। देखिए, हम सब के ऊपर इस देश की जनता का कर्ज है, आप ऋणी हैं, हम ऋणी हैं, हमारे हर दुख में, हर सुख में जनता ने हमारा साथ दिया, आपका भी दिया, आपकी विजय में आपका जय जयकार किया, हमारी पराजय में हमारे साथ खड़े रहे, अपनी उदारता से हमेशा इस देश की जनता ने हमारा साथ दिया है। आज इस देश की जनता दुखी है, त्रस्त है, तड़प रही है। एक बेटा खुद बैल बनकर बैलगाड़ी में अपने परिवार को बिठाकर चल रहा है, एक बेटी अपने पिता को साइकिल पे बिठाकर 600 किलोमीटर साइकिल चला रही है अपने गांव तक। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों की लाशें पड़ी हैं, एक बच्चे का दम अपने पिता की गोद में टूट रहा है, एक माँ की लाश रेलवे के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, उसका बच्चा उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। इस देश की एक-एक माँ इस दृश्य को देख रही है, एक-एक माँ उस माँ के दिल के साथ जुड़ी हुई है, एक एक माँ रो रही है, हमारी भारत माता रो रही है, और आप मौन हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए, जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब
आप इस जनता का साथ दें, इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में आप एक एक भारतवासी के साथ खड़े रहें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो सबसे ज़्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। मैं जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता भी मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे होंगे। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं जानती हूँ कि वो वहाँ पर भी लड़ रहे हैं और आपके साथ हैं, और आप सब उनके साथ खड़े हुए हैं। आपने आवाज़ बार बार उठाई है, हम लड़ते रहेंगे, वह लड़ते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम सबके लिए अपनी आवाज़ उठाएं और न्याय मांगें। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये एक मौका है कि मैं आप सबको भी बताऊं कि हमने पिछले 1.5 महीने में आप अपने साधनों से, पूरी तरह से अपनी कोशिश से, आपने आज तक 90 लाख लोगों की मदद की है और आप करते रहे। इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने स्तर पर किसी भी माध्यम से, फेसबुक से, ट्विटर से, किसी भी माध्यम से आवाज़ उठाएं ताकि न्याय मिले, ताकि जो दुखी हैं, जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, हम उनकी मदद कर पाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।